चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश्वर वंदन, एक भगवतारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमलजी मरासा, ग्यारहवें पटेदर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी मरासा, बारहवें पटेदर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी मरासा, मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी मरासा को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। आज का सेक्शन है 14 सपनों के ऊपर। तीर्थंकरों की माता 14 स्वप्न देखती है। भगवान महावीर स्वामी की माता सुशला देवी ने भी 14 स्वप्न देखा है। इसको हम इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। वैसे हम कोई भी चीज याद करते हैं तो काफी बार क्या हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। इसको एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से बता रही हूँ। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था, उसने रास्ते में एक गज को देखा। जैसे ही मंदिर तक पहुंचा, बाहर एक बैल को देखा, बैल जिसको ऋषभ भी कहते हैं, और वह व्यक्ति मंदिर में प्रवेश हुआ। सिंहों को देखा, सिंहों के ऊपर लक्ष्मी विराजमान होती है और उसके गले में पुष्प की माला पहनी हुई होती है। लेफ्ट साइड में चंद्र होता है, राइट साइड में सूर्य होता है। मंदिर के ऊपर ध्वजा लहराती है, ध्वजा के नीचे एक कुंभ कलश होता है। उस कलश के अंदर पद्म सरोवर और शीत समुद्र का जल होता है। जैसे ही वो व्यक्ति आकाश की तरफ देखता है, वहाँ देव विमान गुजरता है और देव विमान से रत्न की राशि नीचे गिर रही होती है और वो अग्नि की तरह चमक रही है। इस स्टोरी के अंदर पूरा 14 स्वप्नों का वर्णन आ गया है। सबसे पहला स्वप्न है गज, दूसरा बैल, तीसरा है सिंह, चौथा लक्ष्मी, पांचवा उसके गले में पुष्प की माला, छठा चंद्र, सातवां सूर्य, आठवां गजा लहराती हुई, नौवां कुंभ कलश, दसवां पद्म सरोवर, ग्यारहवां शीत समुद्र, बारहवां देव विमान, तेरहवां रत्नों की राशि और चौदहवां निर्धूम अग्नि। 14 स्वप्न पूरे हुए।